आती है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे रिलेशनशिप में कोई अननेसेसरी का इंटरफेयर करे। और मुझे पता है मैं अगर कोई भी चीज़ करती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ तो अच्छे के लिए ही बोलती हूँ, और ये बहुत बार ऐसा साबित भी हो चुका है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आई थिंक सबकी तैयारियां जो होंगी जोरों शोरों पे चल रही होंगी। तो मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, अभी मैं बैक कैमरा करके आपको फुल लुक दिखाऊँगी। और गर्मी लग रही है, कभी इस तरह से तैयार नहीं होती, बहुत कम तैयार होती हूँ इस तरह से। तो अभी मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ पूजा की जो तैयारियाँ ऑलमोस्ट डन हैं, और मुहूर्त से पहले मतलब मुहूर्त के बीच बीच में पूजा करनी है। तो चलिए बैक कैमरा से दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये सारे जो दिए हैं, ये सारे मंदिर जाएंगे ना, है ना दोनों, ये वाले मंदिरों करके इधर सामने देखो। तो ये हैं सामने पतिदेव, जो कि है इनकी आज की ये आउटफिट। हैप्पी दिवाली। तो पति देव की तरफ से हैप्पी दिवाली। और मम्मी अभी जो है, मम्मी का लुक रिवील नहीं कर रहे अभी हम। तो अभी मम्मी जो है पूजा की तैयारी कर रही हैं, और भगवान जी को भी अच्छे से सजा दिया है फूलों से, और पूरा मंदिर जो है वो फूलों से सज चुका है। तो चलिए हम लोग करते हैं पूजा, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने कर दी है दिवाली की पूजा शुरू। तो आज देखो मम्मी कितनी सुंदर लग रही हैं, सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। साउथ इंडियन लग रही हैं आज। हाँ, साउथ इंडियन लग रही हैं, है ना। नहीं, अच्छे लग रहे हैं। वो रेड पल्लू आ रहा है ना, सबसे बड़ा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे जो है लक्ष्मी गणेश जी की जो है वो पूजा की शुरुआत हो चुकी है, और अब हम लोग एक एक करके जो है वो पूजा करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में एंड। फ्रेंड्स यहाँ पे बैठ चुके हैं पतिदेव पूजा करने के लिए, पूरे एकदम विधान से करते हैं पूजा। ये खासियत है मेरे हस्बैंड की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कर दी है मैंने पूजा स्टार्ट, और बहुत मतलब अच्छे से मैं रेडी हुई थी, क्योंकि दिवाली जो है वो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, और करवा चौथ। तो मुझे इन दो जो फेस्टिवल पे है बहुत अच्छे से तैयार होना पसंद है। और फिर अचानक से किसी रीज़न की वजह से मेरा मूड भी ऑफ हो गया, और बहुत बुरी तरह गुस्सा आ रहा था, और मैंने मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना एवरी ईयर मैं पिक्स वगैरह ऐसे क्लिक करती हूँ, वीडियोस वगैरह, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, और यही कहना चाहूँगी कि रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों तरफ से ही चीज़ें अच्छी हों, सॉर्टेड हों, है ना, और अननेसेसरी कोई रिश्तों में इंटरफेरेंस करे। तो जो रिश्तों की गाड़ी है वो कहीं ना कहीं तो स्टॉप होती है, कहीं ना कहीं तो दरारें आती है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे रिलेशनशिप में कोई अननेसेसरी का इंटरफेयर करे। और मुझे पता है मैं अगर कोई भी चीज़ करती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ तो अच्छे के लिए ही बोलती हूँ, और ये बहुत बार ऐसा साबित भी हो चुका है। अभी आगे आपको पता भी लग जाएगा मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ आज के दिन पे, और मैंने नहीं सोचा था आज के दिन पे मेरा मूड ऐसे ऑफ हो जाएगा। बहुत ब्लंडर वाला गुस्सा आ रहा था, बट एनी हाउ दिवाली का दिन था, ठीक है, जैसे भी निकला अच्छा निकला, बट अब क्या ही बोलूँ मैं। तो चलिए आप लोग करिए व्लॉग को इन्जॉय, बाकी बताएंगे आपसे, अगर आपको जानना होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊँगी।
चुकी है पूजा और आप देख सकते हैं चारों तरफ करेक्टर्स के कुएं की आवाज़ें जो है वो आनी शुरू हो गई हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो है बड़े दिए लगाएंगे। एक दिया लगेगा यहाँ पे, एक दिया लेके आ जाओ यहाँ पे लगा दो। एक एक सबसे ऊपर लगाओ ना सेंटर में, वो ऊपर जब चलेंगे ना कैंडल लगाने फिर लगा सबसे ऊपर टॉप पे। सो यहाँ पे मैंने ले ली है दियों की थाली। अभी जो है सारे घर में एक एक करके दिए लगाएंगे। यहाँ पे जो है अंदर सारे दिए लग चुके हैं, इधर भी लग चुका है और ये हमारा पूरा मंदिर है। ये दिए मंदिर में जाएंगे। और फ्रेंड्स अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पल्ला लग जाए। मैंने बनाई थी यार, होली में लगा दी रंगोली। हाँ अंदर कैंडल्स लगा दी है अभी। तो अंदर लगानी है? यहाँ पे लगाओ। तो ये मैंने रंगोली बनाई थी, इतना सिंपल से बनाई थी। मैं बताऊंगी इतनी सिंपल रंगोली क्यों बनाई मैंने। पकड़ जा एक एक रख के फटाफट से बेटा। नहीं दंगे पैर जाओ, कुछ नहीं होगा। शाबाश। सो गाइस हमने कर ली है सेलिब्रेट दिवाली, पटाखे जला लिए। पटाखे मतलब मैंने जलाए, मैंने फुलझड़ियाँ वगैरह ही जलाई और अनार वगैरह। और अभी हस्बैंड को लग रही है बहुत तेज़ों की भूख। और हाँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है। और ये साड़ी मुझे सच में बहुत पसंद है। जब मैंने ली थी तो मैं डबल माइंडेड थी कि कैसी लगी कैसी नहीं, बट अच्छी लग रही है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आपको दिखाती हूँ आज हम लोगों ने क्या क्या स्पेशल बनाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बने हैं छोले, देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मैंने बनाए हैं यहाँ। और यहाँ पे चावल रख दिए भिगो के, और भटूरे या फिर पूड़ी का जो है मैदा का आटा हमने यहाँ पे मम्मी ने लगा के रख दिया है। तो अभी जो है मैं फटाफट जा रही हूँ चावल चढ़ाने, फिर बनाऊँगी पूड़ी, फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है पटाखे चल रहे हैं। फिर उसके बाद सर्व करूँगी सबको खाना और फिर खुद भी खाऊँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। और मुझे एक दो बातें भी करनी है तो इसी ब्लॉग में मैं भी करूँगी, तो बने रहिएगा एंड तक। हाँ जी, हाँ जी, क्या हो रहा है? पनीर काट रही हूँ। तुम्हें आज पनीर वाले छोले खाने थे, मुझे बता दो पीस बड़े बड़े काटूँ या फिर छोटे छोटे? ठीक है पीस, सही है आधे कर दूँ उसके, आधे कर दूँ? अच्छा बस, मतलब इतने लंबे लंबे नहीं? लंबे नहीं, चौकोर ही रखना। मेरे कपड़ों में ना लगता है भाई, तो इसी में डाल दूँ ठीक है? हाँ तो इसी में। फ्रेंड्स मम्मी कह रही है रील बना रहे हैं, बोलो ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये कट गए हैं पनीर, हम इसको डाल देंगे छोले में। कम नहीं लग रहे हैं इतने छोले? नहीं सही है। तो ये तो सारे तुम्हारे लिए ही हो जाएंगे यार, तुम्हारे लिए ही हो जाएंगे ये तो, कि नहीं? चलो है फिर तड़का लगा लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक ठीक है।
हेलो फ्रेंड्स, अच्छी खासी दिवाली मना रहे थे, सारा मूड ख़राब हो गया। मूड क्या ख़राब हो गया, अचानक से मेरे पति देव की जो है वो तबीयत ख़राब हो गई। अभी यहाँ पे ये रेस्ट कर रहे हैं। नोनू नोनू व्यूअर्स को हाय बोल दो। एकदम से ना इनकी जो है वो तबीयत ख़राब हो गई। हुआ क्या, क्रैकर्स जला रहे थे, ये फुलझड़ी जलाई और वो बड़ी वाली फुलझड़ी थी और उसका जो धुआं एकदम से सिर पे चढ़ गया। एकदम से ही फिर सांस वगैरह फूलने लगी, फटाफट डॉक्टर पे लेके गए। तो इसलिए सच कहते हैं पटाखे वटाखे से दूर ही रह जाए। हमने तो कोई बड़े बड़े पटाखे भी नहीं लेके आए थे, छोटे बहुत मतलब लेके आए थे हम लोग पटाखे। और अनार था, फुलझड़ी थी, तो पता नहीं क्या था क्या नहीं, भगवान जाने। मैं तो एकदम से डर गई थी, तो सारा मूड ऑफ हो गया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि मैं रेडी हुई हूँ, कोई रील वगैरह नहीं शूट की, जो भी बार बना ली थी। खैर पहले हेल्थ ज़रूरी है, बाद की चीज़ें बाद में हैं। मुझे और भी बहुत कुछ बातें करनी थी आप लोगों से, बट अब करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अब मेरा ध्यान बार बार इनकी तरफ जा रहा है, क्योंकि होता है ना कि एकदम से धुआं वगैरह सिर पे चढ़ जाए ना, तो फिर इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने जलाया नहीं। इनको होता नहीं है, हर साल ये फुलझड़ी वगैरह अनार वगैरह जलाते हैं, बट पता नहीं क्या हो गया एकदम से। चलो ठीक हो जाएंगे सुबह तक। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मन नहीं हो रहा बात बात करने का, और फिर मैं करती हूँ कल के व्लॉग में आपसे बातें। तो चलिए करती हूँ उस व्लॉग को यहीं पे एंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।